विजय गोयल जी जानते हैं कि मेरी ये धारणा रही है कि जहाँ पर कोई संगीत का, भजनों का, नृत्य का, कोई भी इसी प्रकार का कार्यक्रम हो, वहाँ पर भाषण नहीं होने चाहिए। संस्मरण कराने हैं तो उसकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। कल एक संस्मरणों का नहीं था, लेकिन अटल जी के भाषण, उनके डीवीडी बनाए गए थे और उनका विमोचन था, और वो कार्यक्रम कई लोग थे उसमें, इससे भी ज़्यादा थे जितने आज यहाँ पर हैं। और मैंने उनको यही बात कही थी तो उन्होंने वो घंटे भर में पूरा किया। विजय गोयल इसको भी घंटे भर में लगाएंगे, यद्यपि मैं तो सुनने आया था पंडित उपेंद्र भट्ट जी को कि जिनका नाम नितिन जी ने कहा है कि भजन संध्या करवानी है तो उनसे करवाओ, और भीमसेन जी जोशी के शिष्य हैं किराना घराने के, और मैं समझता हूँ कि हम सभी उनको सुन करके आनंदित होंगे। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो केवल 80 में हुआ, लेकिन हमारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास, अधिकांश लोगों की राजनीतिक यात्रा 1951 में शुरू हुई। पूरे 60 साल होने आए, 60 साल हो गए 1951 को, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, और जनसंघ के ने ही आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया और एनडीए को निर्माण किया, जिनके प्रतिनिधि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं मानता हूँ कि जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने भारत की राजनीति को जो सबसे बड़ी देन दी है वो ये दी है कि जो राजनीति एक दल द्वारा आच्छादित थी 60 साल में से या 65 साल में से, क्योंकि 47 से गिनूं तो मैं 65 साल गिनूंगा, 65 साल में से 45 साल तक उसने 20 साल के अंदर अंदर और भारत की राजनीति को द्विध्रुवीय राजनीति बना दिया, बायपोलर पॉलिटी बना दिया। आज कोई भी केंद्र में सरकार बनेगी तो उसमें या भारतीय, या तो एनडीए होगा या फिर यूपीए होगा। यूपीए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अपनी अलग संभालना संभव नहीं। ये जो स्थिति आई है उसका श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो मैं कहूँगा कि तीन व्यक्ति हैं, तीन प्रमुख व्यक्ति, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने तो इस दिशा में जो मूल काम किया उसके लिए केवल 2 साल ही मिले उनको, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनको 51 से लेकर के और 68 तक समय मिला, अर्थात 17 साल, लेकिन जिसमें सबसे अधिक योगदान किसी का रहा है 60 साल का तो वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को ये मौलिक अंतर दिया है, मौलिक उसमें परिवर्तन लाया है, और आज उनके जन्मदिन पर हम उनको अपने बीच में नहीं पाते हैं, ये कमी है। मुझे तो याद है कि इसी स्थान पर जब मैंने अपनी पुस्तक का विमोचन किया था तो उस दिन भी मुझे लगा कि सबसे बड़ी कमी मुझे अनुभव होती है कि वो नहीं है। अभी अभी 40 दिन की यात्रा करके आया हूँ तब भी मैंने कहा कि अगर कोई सबसे बड़ी कमी अनुभव होती है तो वो ये कि इससे पहले की पूर्व की सभी यात्राओं में उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मुझे प्राप्त था, इस बार केवल मैं उनका आशीर्वाद मात्र लेकर के और 40 दिन की इस यात्रा पर निकला हूँ, और उसमें भी बहुत बहुत मुझे सफलता मिली है, ये उनका आशीर्वाद है एक प्रकार से। मैं उनके दीर्घ जीवन की, स्वस्थ जीवन की
कामना करते हुए विजय गोयल जी को बधाई देता हूँ कि आज की इस भजन संध्या का उन्होंने आयोजन किया और अटल जी को स्मरण करने का अवसर सबको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।